हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशंस है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे यूनिट 5, तो उन्हीं में से हम यूनिट 4 जो थी उसका एक टॉपिक है सेल कम्युनिकेशंस। इसके हम आज PYQ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या रीड मतलब लर्न होना चाहिए वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा बहुत। तो आपको चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें क्या है, एक जो सेल कम्युनिकेशंस होता है इसके लिए क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाती हूँ तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे एक स्लाइड भी लाई हूँ मैं दो, तो ये भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बना देती हूँ जो आपको अच्छे से समझने में हेल्प करे। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको दो मतलब कि जो बेस होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज होती है उसका अगर हम टाइप देखते हैं तो किसके ऊपर बेस है, वो किस टाइप का है, वो क्या खाना खाता है, किस टाइप किस चीज को पहनता है, तो वो सब उसके टाइप्स होते हैं। तो इसी टाइप से क्या है, जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस बेस के ऊपर इनको जो टाइप है, एक तो है कैल्शियम के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी, एक है इनमें किस टाइप का इंट्रेक्शन होता है, सेम सेम मॉलिक्यूल से इनका इंट्रेक्शन होता है या डिफरेंट मॉलिक्यूल से इनका इंट्रेक्शन होता है, या कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, दो कैटेगरी ली है। ये है कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम के ऊपर इनडिपेंडेंट, इंटीग्रीन्स। तो ये जो तीन मॉलिक्यूल्स है, कैडेरीन्स, लैक्टीन्स एंड इंटीग्रीन्स, ये तीनों जो एडिशन मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि हमारे एक मॉलिक्यूल है जी, लाइक यानी इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का ही मॉलिक्यूल होता है, लाइक कैम। कैम्स का मतलब है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, हमारे कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से हम दूसरा इसका जो बेस है इनका टाइप का, वो हम देखते हैं किस टाइप का इंट्रेक्शन करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो होमोफिलिक इंट्रेक्शन करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स करते हैं हमारे हिट्रोफिलिक इंट्रेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, हमारे कैडेरिन IG लाइक कैम। कैम्स का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को हम शॉर्ट में कैम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको चीज याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि कैम का मतलब यहाँ क्या है। कैम का मतलब है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या है, जो IgG होता है लाइक कैम जो होते हैं, ये हमारे होमोफिलिक होने के साथ साथ हिट्रोफिलिक भी होते हैं। हम ऑल्सो हिट्रोफिलिक भी बोल सकते हैं, तो प्योरली हिट्रोफिलिक होते हैं वो हमारे होते हैं इंटीग्रीन्स एंड सेलेक्टिन्स। तो ये इनके जो कैम मॉलिक्यूल्स थे, इनका एक तो कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंसी एंड इनके इंट्रेक्शन के बेस के ऊपर, ये दो टाइप के होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ का इंट्रेक्शन जो है होमोफिलिक होता है, कुछ का हिट्रोफिलिक होता है। अब होमोफिलिक और हिट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, होमो का मतलब होता है सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंट्रेक्शन, तो इसको बोलते हैं होमोफिलिक। और हिट्रोफिलिक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का इंट्रेक्शन, क्या कहलाता है हमारे हिट्रोफिलिक। ये देखो यहाँ ये ए मॉलिक्यूल अलग हो गया, बी अलग हो गया, ये हो गया हिट्रोफिलिक, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इंट्रेक्शन। सेम मतलब ए हमारे मॉलिक्यूल है, यहाँ भी ए मॉलिक्यूल है, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रेक्शन होता है उसको बोलते हैं होमोफिलिक। यानी कैडेरिन कैडेरिन का इंट्रेक्शन होगा तो होमो होगा, IgG IgG होगा तो होमो होगा। इंटीग्रीन्स में क्या है, एक तो इंटीग्रीन हो सकता है, एक सेलेक्टिन हो सकता है, तो इस टाइप के हिट्रोफिलिक इंट्रेक्शन होंगे जिनको बोलते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स वाला इंट्रेक्शन होगा। अगर हम यहाँ पर देखो तो किस किस टाइप के इंट्रेक्शन होता है वो भी दे रखा है, किस किस टाइप के जंक्शन होते हैं वो भी दे रखे हैं। इसके अंदर देखो जंक्शन के बारे में ज्यादा बोला हुआ है, पहले ये वाली स्लाइड अपन क्लियर करते हैं। ये देखो सेल सेल एडहेरेंस जंक्शन होते हैं, कुछ डेस्मोसोम्स होते हैं, कुछ सेल मैट्रिक्स होते हैं। सेल मैट्रिक्स यानी डिफरेंट हो गया, ये हो गया हिट्रोफिलिक, यानी कोई सेल है और उसका जो मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में क्या है, इंट्रेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सेल और सेल दोनों आपस में क्या है, इंट्रेक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला है सेल सेल। यहाँ क्या है, सेल सेल में एडिशन मॉलिक्यूल्स है यहाँ, तो यहाँ क्या है क्लासिकली अडहेरेंस होता है, और यहाँ पर क्या है नेबरिंग सेल से, सेम टाइप की ही नेबरिंग सेल से क्या है इंट्रेक्शन करता है। यहाँ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एंड अल्फा
कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, ये सब इसके रिसेप्टर्स के नाम दिए। यहाँ है डेस्मोसोम, तो डेस्मोसोम में क्या है, यहाँ पर डेस्मो ग्लीन एंड डेस्मोकॉलिन और नेबरिंग सेल, यहाँ क्या है डेस्मोसोम फर्स्ट वाली सेल से ही इंट्रेक्शन करता है, इसका मतलब यहाँ होमोफिलिक इंट्रेक्शन चल रहा है सेल टू सेल। ये किस क्या बोलते हैं इसको, जिस टाइप का अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ डेस्मोडोन सॉरी डेस्मोसोम और सेल टू सेल इंट्रेक्शन हो रहा है, ये फिलामेंट टाइप का अटैचमेंट होता है। यहाँ क्या है सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है और एडहेरेंट जंक्शन यहाँ काम कर रहा है, तो ये बनता है हमारे एक्टिन फिलामेंट। तो इस टाइप की जो ये स्लाइड जो मैं आपको एक जो मैंने अभी बनाई थी, एक ये है, इन स्लाइड्स के ऊपर क्या है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अब यहाँ सेल मैट्रिक्स, तो सेल मैट्रिक्स का जो इंट्रेक्शन होता है या एडेशन होता है या इंट्रीग्रीन होता है, फिर इस टाइप के जो इंट्रेक्शन को बोलता है हमारे एक्टिन फिलामेंट। या इंटरमीडिएट फिलामेंट भी क्या करता है डेस्मोसोम बनाता है, किससे इंट्रेक्शन करता है, ये करता है हमारे इंट्रीग्रीन लाइक 17 कोलेजन्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर कुछ जंक्शंस दिए हुए, देखो टाइट जंक्शन, सेल्स गैप बिटवीन इपिथेलियल सेल्स, फिर है एडिशन जंक्शन जो अभी मैंने आपको बताया था सेल टू सेल होता है। ठीक है, फिर है वन सेल विद दैट द नेक्स्ट सेल, ये हो गया सेल टू सेल। फिर है डेस्मोसोम, डेस्मोसोम में क्या होता है कनेक्शन होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट से, यहाँ क्या है एक्टिन फिलामेंट से होता है, आपको ये चीज याद रखनी है। एडिशन जंक्शन जो था वो एक्टिन फिलामेंट से था, सेल टू सेल था, जबकि डेस्मोसोम में क्या होता है ये सेल टू सेल होता है लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इन चीजों पर क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको इतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इस जो टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन में क्या होता है अलाउ करता है द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स टू फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल ये क्या करता है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को जाने के लिए पैसेज देता है या रास्ता देता है। डेस्मोसोम में क्या था ये सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी न्यूट्रोफिल टाइप का इसमें इंट्रेक्शन था और किससे एंकर कर रहा था, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से कर रहा था। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे, तो आपको अगर मैं बनाना चाहूँ सेल टू सेल हमारे एक एक्टिन से है, फिर है सेल टू मैट्रिक्स भी हमारा एक्टिन से है, फिर है सेल टू सेल हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी है, एंड सेल टू मैट्रिक्स हमारा एक्टिन फिलामेंट से भी है। तो इस तरह से जो सेल टू सेल एक्टिन जो फिलामेंट से होता है उसको हम बोलते हैं एडहेरेंट। ये आपको याद रखना, सेल टू मैट्रिक्स जो एक्टिन फिलामेंट से होता है, सॉरी सेल टू सेल अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट से होता है आपका, तो सेल तो इसको बोलते हैं हमारे डेस्मोसोम, ये आपको रंग रखना है। और सेल टू मैट्रिक्स अगर एक्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से होता है तो उसको बोलते हैं हेमी डेस्मोसोम, और सेल टू मैट्रिक्स अगर एक्टिन फिलामेंट से होता है तो इसको बोलते हैं हमारी देखो एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं न्यू स्लाइड के ऊपर इसको पूरा अच्छे से बना के आपको मैं समझा दूंगी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ अगर हम देखें टाइट जंक्शन होता है, आपस में एक दूसरे को टाइट सील पैक करते हैं ये लोग, फिर है सेल सेल एंकर जंक्शन होते हैं, कुछ चैनल फॉर्मिंग जंक्शन होते हैं, सेल मैट्रिक्स एंकर जंक्शन होते हैं, ये सब चीजें हमारे इसमें होती है। फिर ये स्लाइड मैंने आपको समझाई दी, ये मैंने बना के समझाया था, एक और स्लाइड जो मैं आपको बना के समझाती हूँ ये देखो, कुछ जंक्शंस होते हैं जो अभी मैं समझा रही थी उस स्लाइड में, एंकरिंग जंक्शंस होते हैं। यहाँ देखो एक्टिन फिलामेंट से अगर जंक्शन बनता है तो उसमें सेल टू सेल है, एक सेल टू मैट्रिक्स है। सेल टू सेल जो होता है उसको एक एडेरिन के थ्रू होता है और इसको बोला जाता है एडेरेंट जंक्शंस, और एक जो इंटीग्रिन से होता है उसको बोला जाता है फोकल एडेशन, ये चीज आपको लर्न रखनी है। अब हम इंटरमीडिएट का देखते हैं, इंटरमीडिएट में भी क्या होता है ये कैडोरिन से और इंटीग्रिन से मिलता है, तो यहाँ सेल टू सेल जो इंटीग्रिन कैडोरिन से मिलता है इसको बोला जाता है, इसका नाम है डेस्मोसोम। और यहाँ सेल टू मैट्रिक्स जो है वो है हमारे इंटीग्रिन से, इनके जो नाम है बस वो नाम का आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है किसके साथ इंटरेक्शन करता है। तो
इसको बोला जाता है हेमिडेसमोसोम। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से। तो यहाँ क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। एक्टिन फिलामेंट है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। यहाँ किस टाइप का एंकिंग जो जंक्शन होता है वो बन है। तो सेल टू सेल कैडेरिन है, सेल टू सेल हमारे क्या है, उसके बाद हमारे कैडेरिन। तो यहाँ सेल टू सेल जो कैडेरिन है उसको हमारे एडहेरेंट जंक्शन बोला गया है। एंड देन सेल टू मैट्रिक्स जो इंटीग्रिन मिलकर के इन एक्टिन फिलामेंट के साथ ये क्या बना रहे हैं, फोकल एडहेशन बना रहे हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट में अगर देखें सेल टू सेल कैडेरिन मिलकर के डेस्मोसोम बना रहे हैं, सेल टू मैट्रिक्स इंटीग्रिन्स मिलकर के हेमिडेस्मोसोम बना रहे हैं। ये चीज आपको लर्न हो गई होगी। अब हम देखते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शंस में क्या आता है। ऑक्लूडिंग जंक्शन हमारे वर्टिब्रेट्स और इंटरवर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट दोनों में क्या है, ये प्रेजेंट रहता है। तो वर्टिब्रेट्स में हमारे किस टाइप का जंक्शंस रहता है, टाइट जंक्शन, और इसमें रहता है सेप्टेट जंक्शन। ये चीज मैंने आपको भी स्लाइड में दिखाया था। अब हम चैनल जंक्शंस जो होता है हमारे, ये एनिमल्स में अलग टाइप के पाए जाते हैं एंड प्लांट्स में भी अलग टाइप के पाए जाते हैं। एनिमल्स में जो पाए जाते हैं जंक्शंस उनको गैप जंक्शन बोला जाता है, और प्लांट्स में जो पाए जाते हैं वो आपको पता है प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये आपको सारी चीजें लर्न हो गई। अब हमारे क्वेश्चंस पर हम चलते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ये देखो टाइट जंक्शन कैसा होता है, सेल सेल एंकिंग जंक्शन क्या कैसा होता है, इसमें सारी चीजें आपको दिखा रखी है। अब हमारे क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल। अभी हमने देखा था सेल एडिशन मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। ये सारे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है। कैडेनिन भी होता है, सेलेक्टिन भी होता है, इंटीग्रिन भी होता है, आईजीजी भी होता है हमारे। यहाँ क्वेश्चन में देखो कैडेनिन भी दिया हुआ है, सेलेक्टिन भी दिया हुआ है, आईजीजी सुपर फैमिली जो है वो भी, और लेमिनिन भी हमारे दिया हुआ है। अब हम यहाँ देखें, यहाँ नोट पूछा है तो नोट के अकॉर्डिंग हमारे सारे ही सही हो जाएंगे। यहाँ जो ये क्वेश्चन था इसको चैलेंज किया जाता है, इसको सही माना था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो की एडिशन मॉलिक्यूल नहीं है, ये सारे ही एडिशन मॉलिक्यूल्स है। तो इसका ऑल ऑप्शंस करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल सेल इंट्रेक्शन इज नॉट ट्रू। अभी आपको मैंने सेल सेल इंट्रेक्शन बताया था क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें नॉट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, नॉट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, इन चीजों को आपको, छोटी छोटी चीजें इनसे हमारी मिस्टेक्स होती है, या नोट पूछा है तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नीचे हम अगर ऑप्शंस देखें, या कुछ इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं कि हम एक ऑप्शन पढ़ के ही हमारे करेक्ट आंसर पर चले जाते हैं, अभी दो पढ़ते हैं तो चले जाते हैं। तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों से क्या, हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो आपको हम सबसे पहले देखना है कैडेरिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स विच कैरी आउट कैल्शियम मीडिएटेड एडिशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। यहाँ क्या है, सेल टू सेल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे। तो ए अगर हमारे करेक्ट है हम देखिए, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और एक ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला वो भी हमारे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा है नॉट करेक्ट। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, ओनली एक स्टेटमेंट पढ़ने से ये हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें जो भी तीनों स्टेटमेंट है उनमें से अगर हम एक भी पढ़ेंगे तो हम आंसर पर पहुंच जाएंगे। अगर हम सी पढ़ते हैं, क्योंकि तो सी एक ही में है, सेलेक्टिन्स आर सेल सरफेस लैक्टिन्स, ठीक है, सेलेक्टिन्स जो है सेल सरफेस लैक्टिन्स होते हैं, ये ठीक है हमारे। दैट मीडिएटेड ए वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल सेल एडिशन इंट्रैक्शंस इन द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है, सेल सेल एडिशन करता है। तो ये चीज हमारे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको अगर थोड़ी देर पहले मैंने जो स्लाइड बनाई थी उसमें मैंने क्या बोला था, जो सेलेक्टिन्स होते हैं हमारे होमोफिलिक इंट्रेक्शन करते हैं। तो होमोफिलिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है सेम सेल में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक सरफेस सेल है और एक है ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ क्या हो गया, एडिशन किससे हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम से। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और एक तरह का क्या है, हिट्रोफिलिक होता है ये,
यहाँ करेक्ट दिया हुआ है, तो इस तरह से सी जो थ्री ऑप्शन है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम बिना पढ़े ही हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है, तो हमें रॉन्ग ही पूछा था। अब हम देखते हैं, इंटीग्रिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन दैट मीडिएटेड होमोफिलिक, जबकि हमारे जो इंटीग्रिन होता है ये होमोफिलिक ना होकर के हिट्रोफिलिक होता है, यहाँ पर ये मिस्टेक दी थी, तो आपको इस मिस्टेक को पकड़ना था। अभी मैंने जो चार्ट बनाया था इसमें भी मैंने बताया था, इंटीग्रिन्स एंड जो सेलेक्टिन जो होते हैं वो हिट्रोफिलिक इंट्रैक्शंस हमारे करते हैं, ये इसी लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इंट्रासेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल आर मेंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंटेन ए नंबर ऑफ नॉन कोलेजन प्रोटीन्स दैट टाइपिकली हैव मल्टी डोमेन्स ईच विच स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर अदर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड सेल सर्फेस रिसेप्टर, दिस प्रोटीन देयरफॉर कंट्रीब्यूट टू बोथ ऑर्गेनाइजिंग द मैट्रिक्स एंड हेल्पिंग सेल्स अटैच टू इट, द मोस्ट वेल करेक्टराइज्ड मैट्रिक्स प्रोटीन ऑफ दिस काइंड इज फाइब्रोनेक्टिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर फाइब्रोनेक्टिन। अब आपको इसमें क्या है, फाइब्रोनेक्टिन जो मॉलिक्यूल है हमारा एडिशन मॉलिक्यूल है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ क्या है, इसके बारे में तीन जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल राइट है, जो एक स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ रॉन्ग है। तो अगर हम देखिए तो इट इज ए लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन, सही है, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मैनी सेल मैट्रिक्स इंट्रेक्शन, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है बिल्कुल। बट हमारे जो क्वेश्चन है उसमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट अगर हम देखें तो ये नहीं होगा, ये हमारे सही है। फिर है, इट इज कम्पोज ऑफ थ्री पॉलीपेप्टाइड दैट आर डाइसल्फाइड बॉन्डेड इनटू एक क्रॉसलिंग स्ट्रक्चर, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये क्रॉसलिंग नहीं करते हैं, यहाँ क्या है, एक दूसरे से जो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे फाइब्रोनेक्टिन, इसमें रिपीट्स होते हैं, फाइब्रोनेक्टिन फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड, इस टाइप के क्या है, इनमें रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, इन रिपीट्स के साथ जो है हमारे बाइंडिंग करते हैं फाइब्रिन, अगर मैं लिखना चाहूँ जो बाइंडिंग करते हैं फाइब्रिन करता है, कॉलेजन्स करता है एंड हिपेरिन मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके साथ बाइंडिंग करता है, तो यहाँ क्या क्रॉसलिंक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ह्यूमन जीनोम देयर इज ओनली वन फाइब्रोनेक्टिन चेन कंटेनिंग अबाउट 50 एक्सोन्स, ठीक है, बट द ट्रांसक्रिप्ट कैन बी स्प्लाइस्ड इन डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट फाइब्रोनेक्टिन आइसोफॉर्म्स, तो ये भी हमारे सही है। फाइब्रोनेक्टिन बाइंड टू इन इंटीग्रिन थ्रू एन आर जी डी, ये क्या है, रिपीट्स होती है, मोटिव्स होते हैं, आरजीडी हमारे क्या है, एमिनो एसिड्स, तो आर का मतलब अगर हम देखें तो आर कौन सा एमिनो एसिड बनाता है, तो आर हमारे यहाँ हो जाएगा आर्जिनिन, जी ग्लाइसिन, डी हो जाएगा हमारे एस्पार्टिक एसिड, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे, ये सिक्वेंस बनाते हैं, तो ये भी सही है। एंड इन अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू फाइब्रोनेक्टिन मैट्रिक्स, तो इस तरह से हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट है और ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आरजीटी सीक्वेंस जो होती है मैंने आपको बता दी क्या होती है, आर्जिनिन ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका बना हुआ एक शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंस होती है, इस तरह से हम ऑप्शन नंबर सेकंड पर पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेजन इज द मोस्ट प्रीवेलेंट इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, आपको पता है सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में तो वो है हमारे कोलेजन, और इस तरह से हम पूरे यूनिवर्स में देखें कौन सा जो एंजाइम होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वो है रुबिस्पिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ भी क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू पूछा गया है कोलेजन प्रोटीन, तो यहाँ पर क्या है, नॉट ट्रू आ जाता है, तो इसके लिए आपको क्या है, तीन ऑप्शन आपके करेक्ट है, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन अगर आप लर्न भी करते हैं तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलती है। यहाँ देखिए कोलेजन कंपोज्ड ऑफ थ्री हेलिक्स कंसिस्ट, ठीक है,
टाइप की, इसमें क्या तीन इस तरह से हेलिक्स होते हैं अलग अलग टाइप, ये देखो अल्फा अल्फा एंड अल्फा, या टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड वन बीटा पेप्टाइड। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, तीनों जो चेन्स होती है तीनों क्या होती है हमारे अल्फा प्रोटीन से ही, तरह से अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन से ही मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए हम यहाँ पर क्या है, ग्लाइसिन अमाउंट फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अमीनो एसिड कोलेजन। यहाँ पर क्या है, ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोलीन भी प्रेजेंट होता है, बट उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है। एस्कॉर्बिक जो विटामिन सी जो होता है उसका जो सिंथेसिस होता है उसमें क्या है, ये हेल्प करता है, इज एसेंशियल फॉर कोलेजन फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलेशन ऑफ प्रोलीन। फिर है डी ऑप्शन हमारे इंडिविजुअल कोलेजन सॉरी कोलेजन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स विद एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस फॉर डायरेक्टिंग देम टू ईआर ह्यूमन। तो ये हमारे सही इसका बायोसिंथेसिस से लिया हुआ है ये स्टेटमेंट, तो ये भी हमारे क्या है करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये चीज भी उसी स्लाइड से है डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चन, ये कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल हमारे कौन सा है। तो ये चीज आपको पता है कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल हमारा है कैडेरिन, ये चीज मैंने आपको समझाई थी बताई थी अच्छे से। कैडेरिन जो मॉलिक्यूल जो होता है हमारे वो सेल कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है। कोलेजन के बारे में आपको कुछ चीजें हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, इसके अंदर प्रोलीन एंड ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड इसके अंदर विटामिन सी अगर एबसेंट रहता है तो यहाँ पर क्या है गम्स में जो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम्स है वो हो जाती है, काफी सारी और भी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या है जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल स्ट्रैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें तीनों जो ये प्रेजेंट है स्ट्रैंड ये तीनों ही अल्फा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बने हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लर्न होनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ क्या है इंट्रा सेलुलर एंकर प्रोटीन बोला गया है। यहाँ क्या है इंट्रा मतलब सेल के अंदर की ओर कुछ एंकर हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से होते हैं। तो वो हमारे हैं कुछ हमारे इंट्रा सेलुलर पोर्शन के ऊपर कुछ एंकर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो है टैलिन अल्फा एक्टिनिन विनक्यूलिन, ये सारे क्या होते हैं हमारे इंटर सेलुलर एंकर प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा, इलास्टिन नहीं होता है, इंटीग्रीन नहीं होता है, इंटीग्रीन जो होता है वो हमारा नहीं होता है, एंड विट्रोनेक्टिन जो होता है वो इंट्रा सेलुलर ना होकर के एक्स्ट्रा सेलुलर ही पार्ट बनाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन कौन से होता है जो कि इस तरह से बाहर की ओर होते हैं, ऐसे इस तरह से अगर हम बनाए तो यहाँ जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होता है फाइब्रोनेक्टिन। मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि इनके ऊपर यहाँ इंट्रा पूछा गया है, एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इस तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये है इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाले मॉलिक्यूल। तो तीन इसमें है, तीन इसमें फाइब्रोनेक्टिन फाइब्रोजा कॉलेजन, ये होता है एक्स्ट्रा में, इंट्रा में होता है टैलिन अल्फा एक्टिनिन और विनक्यूलिन। अब देखते हैं द सिलेंड्रिकल चैनल इन गैप जंक्शन आर, गैप जंक्शन जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया था एक चार्ट जो बनाया था सो मैंने आपको बताया था कि जो गैप जंक्शन होता है, अगर मैं देख के बताऊँ आपको देखो जो गैप जंक्शन हमारे प्रेजेंट होता है ये होता है हमारे एनिमल्स, आर गैप सिलेंड्रिकल चैनल जो होता है गैप जंक्शन में आर मेड अप ऑफ, तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है इसमें नेक्सिन्स जो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से सिक्स प्रोटीन्स होते हैं नेक्सोन की, इस तरह से सिक्स नेक्सोन मॉलिक्यूल्स जो होता है इस तरह से 1 2 3 इस तरह से मिलकर के एक चैनल का या जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, सिक्स अगेन से मिलकर ये बने रहते हैं। और ये जो नेक्सोन्स होते हैं ये 4 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है उसको 4 बार क्रॉस करते हैं, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है, ये सारे ऑप्शन हमारे नहीं। अब अगर हम देखें ये वही चार्ट है जो अभी मैंने आपको बनाया था लास्ट पेज, जो अभी मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें,
दी चार्ट के ऊपर उठ करके ये क्वेश्चन आया है। यहाँ सेल सेल दिया हुआ है, ठीक है, एडिशन जंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो डेस्मोसोम किसको बोलते हैं, सेल मैट्रिक्स जो होता है, एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको देख करके आप आंसर पर पहुंचेंगे, तो मैं उन्हीं को ही हाईलाइट कर रही हूँ। ये है डेस्मोसोम, डेस्मोसोम में सेल मैट्रिक्स है, और क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब आपको देखना है आगे, अगर हम देखिए, अब यहाँ अगर हम देखिए, क्या है, एडिशन जंक्शंस आर सेल सेल एंकरिंग जंक्शन कनेक्टिंग एक्टिव फिलामेंट्स इन वन सेल विद दैट द नेक्स्ट सेल, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, यहाँ हमारे क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट, ये देखो नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट है। अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखिए, डेस्मोसोम्स आर सेल मैट्रिक्स, तो डेस्मोसोम आपको ये देखना है कि वो सेल मैट्रिक्स करता है या सेल टू सेल करता है, तो ये हमारे यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, सेल टू सेल एंकरिंग करता है, सेल सेल, बाकी का स्टेटमेंट पूरा सही है, एक्टिन फिलामेंट, सॉरी यहाँ भी गलत है, यहाँ एक्टिन फिलामेंट नहीं, यहाँ होता है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अब बी हम देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एंड इसमें भी नहीं, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि मैम ऑप्शन नंबर ए तो हमारे सही था, फिर आप इस ऑप्शन को क्यों रॉन्ग मान रहे हो। यहाँ जो ऑप्शन की जो पेयरिंग दी है एग्जामिनर ने, हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ऐसे नहीं अलग से हम हमारा ऑप्शन नंबर ए बना देंगे और उसमें हम सेकंड लिख देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। जो हमें पेयरिंग दी है एग्जामिनर ने, हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इनकरेक्ट है, स्टेट नंबर जो सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। गैप जंक्शंस आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस होते हैं, ठीक है, टाइन जंक्शन आर क्लोडिंग जंक्शन सील करते हैं दूसरे सेल को, ये भी सही है, डेस्मोसोम सेल मैट्रिक्स होता है, ये भी हमारे सही है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, इंट्रासेलुलर जंक्शंस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में हमारे किस टाइप का जंक्शंस होता है, मिडिल लैमिना हमारे प्लांट में प्रेजेंट होती है, डेस्मो प्लाज्मोडेस्माटा ये भी प्लांट में होता है, ग्लाइकोकैलिक्स ये भी हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, यहाँ हम ऑन वन आउट करके भी हमारे करेक्ट आंसर पर हम पहुंच सकते थे। यहाँ क्या है, सारी चीजें प्लांट्स में प्रेजेंट, यहाँ एनिमल का पूछा है, तो ये लोग डेस्मोसोम्स हम एनिमल का बता देंगे। अब देखते हैं ग्लाइको ग्लाइकोसाइमिनो ग्लाइकन्स आर यूजुअली लिंक्ड टू प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन्स, तो यहाँ बताना है नॉट ए प्रोटियोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स नहीं है, हमारे जो हाइड्रोन हाइड्रोन जो होता है हमारे, ये क्या है, प्रोटियोग्लाइकन्स नहीं होता है, ये ओनली गैक्स ही होता है, गैक्स यानी ग्लाइकोसाइमिनो ग्लाइकन्स, क्योंकि किसी भी प्रोटीन्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, ये सारे क्या है, प्रोटीन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। अब हम देखिए सेवरल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कैन फंक्शन एज मैट्रिक्स रिसेप्टर को रिसेप्टर, हाउ वी वर द प्रिंसिपल रिसेप्टर्स ऑन एनिमल्स सेल्स फॉर बाइंडिंग मोस्ट एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन आर द इंटीग्रिंस, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ क्या है, इंटीग्रिंस के बारे में इनकरेक्ट पूछा है आपको, इंटीग्रिन के बारे में क्या इनकरेक्ट होता है वो आपको अगर देखना है, यहाँ देखिए इंटीग्रिन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होता है दैट लिंक टू साइटोस्केलेटन, ये हमारे सही है, इंटीग्रिन मॉलिक्यूल कंपोज होता है टू नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड ग्लाइको प्रोटीन अल्फा एंड बीटा, बोथ सबयूनिट स्पैन करती है सेल मेम्ब्रेन विद शॉर्ट सी टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ क्या गया बोला गया है, इंटरसेलुलर पोर्शन ऑफ द इंटीग्रिन डाइमर बाइंड करता है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट से, तो यहाँ हाँ ये नहीं करता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रिन के लिए, ठीक है। फिर है इंट्रासेलुलर पोर्शन बाइंड टू ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स दैट फॉर्म लिंकेज टू साइटोस्केलेटन, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रिन के लिए। चलते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं हमारे, तो आपको ये चीज पता है कैडेनिन्स क्या करता है, सेल टू सेल कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सेलेक्टिन क्या है हमारा होमोफिलिक है हेटरोफिलिक है, इंटीग्रीन हमारा क्या है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड बनाई थी उसी में से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ अगर हम देखें
इंटीग्रिन अगर हम देखें तो सेल ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडिशन मॉलिक्यूल एक्ट एज इंट्रासेलुलर, तो सेल से मैट्रिक्स के लिए क्या है ये करता है हमारे इंट्रेक्शंस। तो एक का हमारी हो जाएगा फोर। अब हम देखिए कैडेनिन, कैडेनिन क्या है ये कैल्शियम के ऊपर भी डिपेंडेंट भी होता है और होमोफिलिक इंट्रेक्शन भी करता है, तो हमारे बी का हो जाएगा थ्री। फिर है आईजी सुपर फैमिली, ये क्या करती है आईजी सुपर फैमिली में इसमें दिया हुआ होगा कंटेन्स आईजी लाइक डोमेन्स आर मेनी इन्वॉल्व। ये देखो बहुत इजी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बहुत आराम से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सेलेक्टिन्स क्या है, सेलेक्टिन एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेक्टिन लैक्टेंस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट दैट मीडिएटेड वैरायटी ऑफ ट्रांस सेल सेल एडिशन इंटरेक्शंस टू ब्लड स्ट्रीम। तो हमारे इसका हो जाएगा वन। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो फोर है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एडिशन सेल। यहाँ क्या है साइटोप्लाज्म से एडिशन सेल के पास क्या है वो कर रहा है, साइटोप्लाज्म तो एडिशन के साथ क्या है बना रहा है वो एक सेकेंड परमिट कर रहा है रैपिड डिफ्यूजन को स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसका आ जाएगा हमारे गैप जंक्शन जो मैंने लास्ट में स्लाइड बनाई थी उसमें से है ये क्वेश्चन। ये देखो गैप जंक्शन फर्स्ट स्लाइड पर भी है इसमें। गैप जंक्शन में क्या होता है आपको अगर मैं दिखाऊं ये देखो अलाउ करता है वाटर को, ये देखो अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल। देखो डायरेक्ट इस जो डायग्राम था उस स्लाइड से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठ कर आया है गैप जंक्शन, इसका हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं यहाँ देखो क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है अगर पूरा नहीं पढ़ो तो भी। यहाँ देखो ACM कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनकरेक्ट, तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसके रिगार्ड में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले प्रोटोग्लाइकन्स आर ए सबसेट ऑफ सिक्रेटेड और सेल्फ सरफेस अटैच्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है कंटेनिंग कोवलेंटली लिंक्ड स्पेशलाइज्ड पॉलीसेक्राइड चैन होती है, उसको बोलते हैं गैक्स। ये हमारे ऑप्शन सही है, यहाँ हमारे इनकरेक्ट पूछा है तो ये हमारे सही हो जाएगा। गैक्स जो होते हैं लॉन्ग ब्रांच्ड, ये लॉन्ग ब्रांच्ड नहीं होते, ये क्या होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं। गैक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे अनब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा। मेजर टाइप ऑफ गैक्स प्रेजेंट इन ECM आर हेपेरिन सल्फेट कॉर्डियन सल्फेट डर्मेटिन सल्फेट केरेटिन सल्फेट एंड हाइलुरोन, ये हमारे करेक्ट है। ये एक क्वेश्चन आया था हमारे जिसमें स्पेशली गैक्स ही होते हैं तो मैंने आपको बताया था हाइलुरोन जो होता है वो हमारे ओनली गैक्स ही होता है। मेजर टाइप ऑफ लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन ECM आर कॉलेजन लैमिनिन इलास्टिन एंड फाइब्रोनेक्टिन, ये आपको मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स वाली जो प्रोटीन है वो कौन कौन सा है कॉलेजन लैमिनिन इलास्टिन फाइब्रोनेक्टिन, और इंट्रा सेलर मैट्रिक्स वाली जो प्रोटीन है वो भी मैंने आपको बताया था टैलिन अल्फा एक्टिनिन और एक ऑप्शन था ट्यूबुलिन, तो वो सारे होते हैं हमारे इंट्रा सेलर मैट्रिक्स प्रोटीन। ये देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं ये देखो विनक्यूलिन अल्फा एक्टिनिन और टैलिन ये था, और ये देखो हमारे आई कैम, ये इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो मैंने आपको लिखा था। ठीक है तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी के करेक्ट है। अब यहाँ पर वही टाइट जंक्शन कैसे बनता है, हेमिडेस्मोसोम क्या होता है, एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें इसमें पूछी गई है, तो वही उसी स्लाइड से आया ये क्वेश्चन हमारे। यहाँ अगर हम देखें टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट जंक्शन क्या है सील करता है दोनों एपिथेलियल सेल जो होते हैं सील गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल। तो एक का हमारी हो जाएगा थ्री, एक का थ्री हमारे ऑप्शन नंबर थ्री में ही है। फिर है हमारे एक्टिन फिलामेंट बंडल्स इन वन सेल विथ दैट द नेक्स्ट सेल, तो ये हमारी हो जाएगा एक सेल दूसरे सेल से कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारे एडमेंट, तो बी का हमारे हो जाएगा फोर। फिर अगर हम सी का देखें कनेक्शन इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल टू नेक्स्ट सेल तो ये हो जाएगा डेस्मोसोम, ये उसी स्लाइड से आया है हमारे तो मैंने बनाई थी।
तो हेमिडेस्मोसोम में क्या करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ क्या है, कनेक्शन करता है, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो इसी तरह से फिर से एकदम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है। हाँ, अगर हम किसी को भी नहीं जानते, अगर कोलेजन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, कोलेजन क्या है, एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, उसमें भी क्या है, अल्फा हेलिक्स उसमें प्रेजेंट रहती है। तो एक का डी का हमारे हो जाएगा 1। तो डी का 1 हमारे 2 ऑप्शंस में दिए हुए, तो 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। अगर हम आगे देखें कि कौन सा है जो हमारा पढ़ा हुआ है, फाइब्रोनेक्टिन, अगर आप जानते हो तो फाइब्रोनेक्टिन क्या है, डाइमेरिक प्रोटीन होता है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, आरजीटीज में सीक्वेंस होती है जिससे ये बाइंडिंग करता है इंटीग्रिन से, तो एक का हमारे हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको जो मैंने पिछला से 2-3 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें आया था इसके बारे में स्टेटमेंट, तो पूरा यहाँ पर उठ गया है। फिर है लैमिनिन। तो लैमिनिन क्या होता है, हेटेरो प्राइमेरिक होता है, अल्फा बीटा गामा इसमें चेन होती है, ठीक है, तो बी का हमारे सेकेंड है। फिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, एक रोड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको नेक्टिन बोलते हैं, दैट क्रॉस लिंक करता है आई कैम ईसीएम से क्रॉस लिंक करते हैं एंड आल्सो स्टेबलाइज करते हैं बेसल लैमिन, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब फिर से एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ, नो नॉन नॉट कोवलेंटली अटैच टू प्रोटीन्स एज प्रोटियोग्लाइकन्स इसमें पूछा है, तो वही जो कि प्रोटीन्स के साथ कोवलेंटली अटैच नहीं होता है तो उसको प्रोटियोग्लाइकन्स बोलते हैं, लेकिन जो नहीं होता है तो ये हो जाएगा हमारी ओनली गैग से होता है, ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकन्स इसको बोलते हैं, गैग्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं, वही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एक दूसरे के बीच में, क्योंकि टॉपिक्स यहाँ क्या है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन क्या थोड़े से इधर उधर शफल होके आते हैं, लेकिन टॉपिक तो वही है। मैंने आपको 2 ही स्लाइड बताई है, उस 2 ही स्लाइड से अपन कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें शॉर्ट नोट बनाना है, या उनको क्या करना है, टेबल के फॉर्म में अरेंज करके रखना है, उससे क्या आप अपने आंसर्स पर अच्छे से पहुंच जाते हो। इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार इन स्टेटमेंट्स को आप लर्न करने की कोशिश करोगे, तो वो चीजें आपको लर्न होगी, उससे से आप क्या है, अब इस साल अगर आपको वही क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेटमेंट्स लर्न होंगे कि वो स्टेटमेंट ऐसा था, तो इन चीजों से भी क्या है आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये है एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंटल टाइप का है। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप पूछ सकते हो, एक बार मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए रिसर्चर वाज स्टडीइंग ए प्रोटीन एक्स, एक रिसर्चर था, इसने क्या स्टडी की प्रोटीन एक्स के ऊपर, विच हैज बीन ऑब्जर्व टू मूव एक्रॉस सेल व्हेन एन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस टू प्रोवाइड। यहाँ क्या है, एक प्रोटीन एक्स था, रिसर्चर ने इसके ऊपर स्टडी की, उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रिकल हम स्टिमुलेट कर इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली यहाँ पेप्टाइड पी प्रोटीन है, पेप्टाइड पी हैज प्रिपेयर किया हमने आर्टिफिशियली, एक पेप्टाइड जो है उसका नाम है पी, वो हमने प्रिपेयर किया है, खुद से बनाया है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करती है कनेक्सिन। अब आपको ये पता होगा जो कनेक्सिन है ये क्या करता है, ये किस टाइप का जो जंक्शन है उस को बनाने में हेल्प करता है, ये आपको अगर इस सेंटेंस में ये चीज आपको अगर पता थी तो आप इस क्वेश्चन के सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं, एक्सपेरिमेंट दिया उससे कोई मतलब नहीं, उसने किस टाइप का आर्टिफिशियल पेप्टाइड बनाया उससे भी कोई मतलब नहीं, जहां आपने कनेक्शन पढ़ा वही आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हो। एंड ये किससे रिजेंबल कर रहा है, कनेक्शन प्रोटीन से रिजेंबल कर रहा है एंड कम्पिट इनिबिट कनेक्सोन फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसके जैसे उसने बनाया, ठीक है, फिर ये क्या है कंपेटिवली इनहिबिट कर रहा है ये कनेक्सोन के फॉर्मेशन, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोटीन एक्स, तो यहाँ क्या है, जो प्रोटीन एक्स है, इफ द सेल्स आर ट्रीटेड विद पेप्टाइड पी एंड देन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस इज प्रोवाइडेड, तो यहाँ हमसे पूछा गया है जो एक्स फेल टू मूव एक्रॉस सेल ड्यू टू इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर अगर आएगा तो वो कौन सा जंक्शन है, वो होगा हमारे गैप जंक्शन। तो बस आपको क्या करना था, कनेक्सोन के बारे में थोड़ा सा पता था, कनेक्सोन क्या करता है, गैप जंक्शन बनाता है, 6 अमीनो एसिड्स के इस तरह से ये बना हुआ रहता है, बस।
सिंपल, आप अपने आंसर पर पहुंच गए। इसमें एक्सपेरिमेंट का कोई रोल नहीं था, बस एग्जामिनर का क्या काम था, आपको घुमाना। क्योंकि गैप जंक्शन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया है, कनेक्शन के ऊपर भी आया है क्वेश्चन। अगर आपने पहले वाला वो क्वेश्चन किया होगा तो आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर सकते थे। एक्सपेरिमेंट मैं वही चीज समझा रही हूँ आपको फिर से, क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं होते, लेकिन जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, वो हमेशा रिपीट होता है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है, वही स्टेटमेंट है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो यहाँ चेंज हुआ है, इसी से आप पता लगा सकते हैं। अब ये आ गए 2022 के क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी मैंने समझाया है। जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए जो इस एग्जाम से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन कर रहा हो। थैंक यू।